मॉर्निंग एवरीवन। तो फिर से हम जा रहे हैं कहीं पे तो जा रहे हैं, और इस बार मैं अकेला हूँ। और अकेला किधर जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। और अभी बजे हैं 6:30 की मेरी ट्रेन है। सूरत स्टेशन पे आ गया हूँ मैं। तो चलिए दिखाते हैं और बताते हैं आपको कि कहाँ जाना है। विंडो सीट मिली है पटनगर एक्सप्रेस अहमदाबाद तक ये लेके जाएगी हमको। तो सर्विस शुरू करते हो और आपको बाद में बताते कि कहाँ जाते हैं, मजा आएगा। गाड़ी आनंद पहुंच गई है और 20 मिनट लेट में हमारी गाड़ी बड़नगर अहमदाबाद पहुँचने में, और हमारी ट्रेन अहमदाबाद से 11 बजे की पहुँच जाएंगे। कोई बात नहीं, आनंद पहुंच गए हैं। अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अमूल डेरी आ गई है। फिर से साइडिंग कर दी भैया, गाड़ी पहुंच जानी चाहिए। दूसरी ट्रेन भी हमारी यहाँ से अहमदाबाद से मूल डेयरी के पास रुक दिए गाड़ी। फाइनली अहमदाबाद पहुंच गए हैं, इधर से ट्रेन है हमारी। तो फाइनली बता देता हूं कहां जा रहा हूं। तो जा रहा हूं पंजाब और अहमदाबाद। ये स्टेशन के बाहर आया था कुछ नाश्ता ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो फिर से जाते हैं, अभी ट्रेन है आधे घंटे में, तो जल्दी से बैठ जाते हैं। चलिए आना है 9 नंबर के प्लेटफॉर्म पे, तो चलिए एक्सीलेटर यूज़ करते हैं और बैठ जाते हैं। सुबह से कुछ नाश्ता भी नहीं किया, अभी कुछ नाश्ता ढूंढना पड़ेगा रेलवे स्टेशन पे। कुछ नाश्ता ढूंढने के और नाश्ता करेंगे। चाय तो अच्छी नहीं आती, चाय नहीं पीएंगे। फाइनली हमारी ट्रेन इधर लगी हुई है और हमारे डब्बे में हमारी सीट देखते हैं कहाँ पे। विंडो सीट है, शायद ग्रहण कर ली है। इधर अहमदाबाद से ही निकलेगी हमारी ट्रेन की। मस्त विंडो सीट है 12 नंबर की हमारी। तो फाइनली जा रहे हैं हम पंजाब। क्यों जा रहे हैं वो आपको उधर ही जाके पता चलेगा। आपको अगला वीडियो भी देखना, वो ब्लॉग पूरा देखना और अगला वीडियो भी देखना, आपको उसमें पता चल जाएगा कि हम क्यों जा रहे हैं। और अभी तक कोई आया नहीं है। हमारी गाड़ी राजस्थान पहुंच गई। अभी पहुंच चुके हैं पिंडवाड़ा। काफी अच्छा ठंडा मौसम है। अभी पिछली बार मनाली गए थे इसी ट्रेन में, तो काफी गर्मी थी। इस बार ठंडा मौसम है। फौरन बच गया है पिंडवाड़ा में, और चल पड़ी है हमारी गाड़ी। चढ़ते हैं। छः बजने को आए हैं और हम अभी पहुंच गए हैं पाली मारवाड़ के पास पहुंचे हैं। तो सोलो ट्रैवलिंग में मज़ा तो आ रहा है, अकेले जाने में। आप देखिए, आपको ये ज़्यादा व्लॉग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ट्रेन में से बाहर आते हुए व्लॉग करूँगा। राजस्थान में हम पठानकोट जाना है हमें। फाइनली पंजाब जा रहा हूँ मैं, आपको बता दिया। तो पठानकोट पंजाब कल पहुँचेंगे 3 बजे। कब से बैठे थे अंदर, तो काफ़ी पैर दुख गए थे, तो बाहर आए। ज़्यादा स्टेशन पे रुक नहीं निकल रहे क्योंकि अंदर बैठे हैं, अकेला हूँ, तो सामान भी है हमारा। अभी हमारे साथ है दोस्त, उनको बोल के आया हूँ कि दोस्त बाहर जा रहा हूँ। 5:50 हो गई है और अकेला ट्रैवल कर रहे हैं पहली बार इतना लंबा।
और हम पठानकोट पहुंचेंगे कल 3 बजे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, तो अभी पहुंच गए हैं पंजाब और काफ़ी ठंड है, 7-8 सेल्सियस, 7-8 सेल्सियस हो गया है अभी ठंडी, तो हम चाय पी रहे हैं ठंडी में, चाय गर्म गर्म चाय। गुड मॉर्निंग, बहुत ठंड है, 6 हो गया है 6-8 सेल्सियस हो गया है इधर ठंडी, और पंजाब में देखो बहुत ठंड है बाप जी। ये है पाजी हमारे साथ कोच वाले, मॉर्निंग के 7 बजे हैं, अभी चाय पी लिए हमने इधर, अभी आगे जाके बठिंडा में नाश्ता भी कर लेंगे, देखते हैं। बठिंडा बठिंडा और ऐसा ये सब क्यों लगा रखा है, तो बहुत ही ठंड है भैया, बहुत ही ठंड। अभी हमारे कोच वाले पाजी थे वो चले गए हैं, नई ट्रिप में यही मज़ा आता है सोलो ट्रिप में कि दूसरे कोच वाले साथ वाले कोच वाले मिल जाते हैं, मज़ा आया सोलो ट्रिप। टिकट आ गए हैं, चलो नाश्ता करते हैं, छोले कुलचे खाते हैं यहाँ पे। भैया एक प्लेट दो ना, एक एक कितना है? 40 ओके, बहुत बढ़िया खाना है, खाओगे यार भाई। अभी हम जा रहे हैं इस तरफ, फिर गाड़ी का इंजन लास्ट में लग जाएगा, फिर जाएंगे दिल्ली पठानकोट के इस रास्ते पे, इधर से रास्ता मुड़ जाता है, दूसरा इंजन लग जाता है। देखो आए हमको इधर बुलेट ट्रेन दिख रही, सेम बुलेट ट्रेन की तरह दिख रही है, देखो भगवा रंग की है गाड़ी। देखो इस तरफ चलने लगी है ट्रेन, जाएंगे इस तरफ से डायरेक्ट पठानकोट कैंट, 3 बजे पहुंचेंगे हम पठानकोट के पास। तो बढ़िया सी नींद निकाल ली है हमने, मस्त सो गए थे, और सोलो ट्रिप में होता ही क्या, सो मूवी देखो, सोचो बाहर देखो, खिड़की में से देखो, आजू बाजू में बातें करो, ये सब होता है। तो अभी पहुंचे हैं हम जलंधर, अभी थोड़े ही टाइम में पहुंच जाएंगे हम पठानकोट, फिर इधर से जाएंगे और आखिर में ही बताएंगे आपको कि कौन आ रहा है लेने के लिए, कहां जाना है हमको। वो जलंधर, पिछली बार मनाली गए थे तो जलंधर पे उतरे थे हम लोग, वो जलंधर है, काफ़ी कुछ बन रहा है, डेवलप हो रहा है जलंधर। ये फ्लैग देखा होगा आपने और ये स्टेशन भी देखा होगा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई मनाली की। फाइनली पठानकोट पहुंच चुके हैं, फाइनली अकेले सफ़र करने में मज़ा आया, थोड़ा बोरिंग भी लगता है पर मज़ा आया, करना चाहिए एक बार तो करना चाहिए लाइफ में। और अभी पठानकोट कैंट के पास मेरा दोस्त रिसीव करने आया है, तो चलिए उससे मिलते हैं। आ रहा है पठानकोट आगे है, पर यहाँ से हमको जाना है उसके घर पे, शादी अटेंड करने आए हैं हम इधर, और थोड़ा घूमने भी आए हैं, तो चलिए मिलते हैं आपको। तो ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आपको दिखाएंगे पंजाबी शादी कैसे होती है, कैसे शादी रहती है, सब दिखाएंगे।